कोडरमा जयनगर थाना क्षेत्र के परसबाग स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल को प्लस टू की मान्यता मिला, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। बता दें कि सन 2010 ईस्वी में इस विद्यालय का उद्घाटन हुआ था। वहीं विद्यालय के लगातार प्रयास करने के बाद 2016 ईस्वी में इस विद्यालय को दशम तक की मान्यता CBSE से मिली। 2 जून को इस विद्यालय को प्लस टू की मान्यता मिल गई। वहीं विद्यालय के निर्देशक मुश्ताक खान ने बताया कि यह विद्यालय हर एक वर्ष 100% रिजल्ट देता आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय में दशम तथा इंटर के विद्यार्थियों का सेंटर भी बनाया जा चुका है, जिसके कारण यहां के लोगों का विश्वास इस विद्यालय पर बना हुआ है। क्षेत्र के तमाम लोगों के विश्वास और हमारे शिक्षकों के अथक प्रयास के कारण यह सफलता प्राप्त हुआ है। निर्देशक ने बताया कि आने वाले दिनों में भी यह विद्यालय सफलता के परचम लहराता रहेगा। अभी वर्तमान में कोरोना काल के कारण विद्यालय में ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। विद्यालय के निर्देशक ने बताया कि क्षेत्र में विद्यालय होने के कारण न्यूनतम स्कूल फीस में यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। यहाँ से निकले हुए छात्र आज कई जगह सार्वजनिक सेवा दे रहे हैं। प्लस टू की मान्यता मिलने पर विधायक अमित कुमार यादव, पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव, प्रोफेसर बैजनाथ बर्नवाल, प्रमुख जयप्रकाश राम समेत तमाम शिक्षाविदों ने इन्हें बधाई दिया। कोडरमा से विकी केसरी की रिपोर्ट। ये जो उपलब्धि है सर, प्लस टू का जो मान्यता नेशनल पब्लिक स्कूल को मिला है, इसका श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर श्रेय ये हमारे जितने भी हमारे